हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मर्सिडीज वेंच के बारे में। तो मर्सिडीज वेंच का जो पहला पार्ट था वो हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप उस पर वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ उस कार का जो एसी है नहीं चल रहा था प्रॉपर। तो वो क्यों नहीं चल रहा था, वो था एक कंट्रोल मॉड्यूल की प्रॉब्लम। उस मॉड्यूल को हमने रिपेयर किया हुआ है और साथ ही साथ उसमें जो पिन वगैरह उसमें टूट गई थी, यानी कि वो कुछ रस्ट आने की वजह से पिन सारी गल गई थी। एक तो जो कंट्रोल मॉड्यूल की जो पिन थी उस पर जो कार्बन डिपॉजिट हो गया था, उस पिन कार्बन की वजह से जो पिन थी वो गल गई थी। तो पिन हमने चेंज नहीं की है क्योंकि वो पिन चेंज नहीं हो सकती थी, तो इसलिए हमने उसमें डायरेक्टली वायर सोल्ड किए हुए हैं। और साथ ही साथ हमने उसमें जो और भी बाकी की प्रॉब्लम थी, पूरी प्रॉब्लम को हमने उसमें अच्छे से फिल कर लिया है। कभी अब कहीं भी कंट्रोल मॉड्यूल में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी उसमें चिप थी, आईसी थी, सभी को हमने क्लीन कर दिया उसके क्लीनर से। ओके, तो पूरा सर्किट बोर्ड क्लीन होने के बाद हमने कंट्रोल मॉड्यूल फिटिंग कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कंट्रोल मॉड्यूल आपको फिटिंग करना है, और फिटिंग करने के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा इस कार का एसी वर्क करता है या नहीं। ओके, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला पार्ट था उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप आई बटन दबा करके भी उस लिंक पर जा सकते हैं। तो प्लीज करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो में, इस कार का जो एसी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो इस कार में जो प्रॉब्लम निकली थी वो पीछे रियर सेम बॉक्स में जो प्रॉब्लम थी, यानी कि उसके अंदर जो पानी चला गया था इस वजह से वो डैमेज हो गया था। तो कुछ उसके अंदर जो पिनें थी और जो मॉइस्चर था और कुछ सॉल्ट वगैरह टाइप का कुछ जमा हुआ था हरा हरा, तो वो ग्रीन कलर का जो सॉल्ट था वो सब कुछ हमने इसमें हटा दिया है, उसको अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है। और इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल था उसमें जो पिन डैमेज हो गई थी, यानी कि जो पिनें हैं वो इसके अंदर से पिन डैमेज हो गई है, उसके लिए मैंने ये वायर इसके निकाल दिए हैं। ओके, तो इनको हमने सोल्ड करके ये वायर हमने इसके एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं। तो इससे अभी ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है ये परफेक्टली वर्क करेगा। इसको एक बार लगा करके टेस्ट करते हैं ये परफेक्टली वर्क करेगा या नहीं करेगा, और जो इस कार में प्रॉब्लम है एसी की वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं। ओके, तो स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमने इनको सोल्ड किया हुआ है ये एक एक वायर को। ओके, तो ये पीछे की साइड है और उसके बाद में हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है बॉक्स। तो इसका जो फ्यूज बॉक्स था उसमें हमने सभी फ्यूज वगैरह ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, कैसे भी कोई फ्यूज की प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम फिटिंग करेंगे इस कंट्रोल मॉड्यूल को, और फिटिंग करने के बाद इस कार को दोबारा से स्कैन करेंगे और स्कैन करके चेक करेंगे पहले जो फॉल्ट कोड था वो गया या नहीं गया, क्योंकि ये कार ऑलरेडी मेरे पास आई हुई है एसी के लिए। इसमें जो एक्स्ट्रा जो फॉल्ट कोड है एयरबैग से या किसी भी और फंक्शन से रिलेटेड उस काम के लिए नहीं, ओनली मैं आपको बता रहा हूँ ओनली मेरे पास ये कार एसी के लिए आई है। तो मैं इस कार का एसी ऑन कर रहा हूँ। तो एसी में जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में, ये प्रॉब्लम थी इसमें। और अभी हमने इसको रिपेयर किया है, वायरिंग जो भी इसकी पिन वगैरह टूटी हुई हैं उनको हमने सोल्ड कर दिया है, सोल्डिंग करा करके वायरिंग को। ओके, तो एक्स्ट्रा वायर हमने अलग से निकाल दिए क्योंकि अगर आप उसमें पिन डालेंगे तो पिन उसमें सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि उस जगह पर उसमें काफ़ी सॉल्ट जम गया है। और अंदर जो मदरबोर्ड था उसको हमने अच्छे से कर दिया है बढ़िया तरीके से, यानी कि अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम इसको फिटिंग करके देखते हैं कैसी है इस कंट्रोल मॉड्यूल की रिपोर्ट। तो अभी कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो प्लीज़ मैं अभी आपसे दोबारा से कहूँगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर चुका है। ओके, और दो वायर हमने इस जगह पर निकाले हुए हैं। ओके, तो अभी इन दो वायरों को हम उसमें सर्किट में कनेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ इन वायरों को हम कनेक्ट करेंगे जिस जगह से पिन की लोकेशन पर है ये वायर। तो ये वायर किस जगह पर लगा हुआ है जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक पिन इस जगह से डैमेज है और एक पिन इसमें से डैमेज है, तो यानी कि ये दो वायर हमने इसमें से लिए हुए हैं, और जो एक वायर है वो हमने इसमें से लिया हुआ है, और एक वायर हमने इसमें से लिया हुआ है। तो इस तरीके से अभी हम इसका पूरा डायग्राम देख करके हम इसमें लगा देते हैं उसके अंदर, यानी कि ये ग्रीन वाला जो वायर है वो इस वाले सॉकेट का है। ओके, ये मैंने अपने हिसाब से जॉइंट किया हुआ है। ये ब्लू वाला जो वायर है वो ये वॉलेट कलर जो है इसको मैंने इस वाले सॉकेट से लिया हुआ है। ओके, और जो येलो है वो ब्राइट है वो मैंने इस वाले सॉकेट से लिया हुआ है इस तरीके से। और यही जो दो वायर हैं, ये दो वायर मैंने इसमें से एक इस पिन का है, ओके, और एक इस बीच वाली पिन का है। तो अभी इस तरीके से मैं इनको पूरा फिक्स कर देता हूँ, और फिक्स करने के बाद अब टेस्ट करेंगे हम इस कंट्रोल मॉड्यूल को। तो लगाते हैं इस कंट्रोल मॉड्यूल को। तो उस कंट्रोल मॉड्यूल की जो लोकेशन है वो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस जगह ये फिटिंग होता है। तो ये होता है कंट्रोल मॉड्यूल इस जगह पर फिटिंग। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें जंग वगैरह लगी हुई है। तो पहले हमें इस कंट्रोल मॉड्यूल को फिटिंग करने से पहले इसके जो वायरिंग के जितने भी ये सॉकेट हैं
इनको हमें अच्छे से क्लीन करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी सॉल्ट टाइप का कुछ जमा हुआ है, ये यानी कि इसमें जो कार्बन है, इस पूरी कार्बन को हम क्लीन करेंगे। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। ओके, तो इन सभी सॉकेटों को अभी हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको फिटिंग करेंगे इस जगह पर। जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसमें अभी ये रेड कलर का वायर है और एक इसमें ये है सिल्वर कलर का वायर। ओके, तो ये ब्राउन कलर वाला ये वायर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, इस साइड ये येलो कलर का सॉकेट है और येलो कलर के सॉकेट में मैंने ये दो वायर जॉइंट किए हुए हैं। तो इसमें हमें कैसे कंफर्म करना है कौन सा वाला वायर किस लोकेशन का है, क्योंकि इसमें दो पिन टूटी हुई है, जो कि है एक कॉर्नर पर और एक है इसके बीच में। तो ये हमें किस तरीके से कंफर्म करना है कौन सा वाला वायर कॉर्नर पर लगा हुआ है और कौन सा वाला वायर इसमें बीच में लगा हुआ है। तो ये रेड कलर वाला जो वायर है, ये मैंने बीच वाली पिन पर लगाया, तो ये मैं आपको भी चेक करके बताता हूँ। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को रखना होता है कंटिन्यूटी टेस्ट पर, और एक साइड मल्टीमीटर पिन लगानी है और दूसरी साइड जो पिन टूटी हुई है जिस पर हमने ये वायर सोल्ड किया है उस पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर बीप कर रहा है, तो कंटिन्यूटी बोल रही है। तो इसका मतलब ये रेड वाला वायर है ये हमने बीच वाले पे लगाया हुआ है, और जो वाइट कलर वाला जो वायर है इसको हमने कॉर्नर वाले पे लगाया हुआ है। ओके, तो अभी हम इस रेड कलर वाले वायर को फिक्स करेंगे इस वाले सॉकेट में, क्योंकि ये वाला जो सॉकेट है ये इस जगह लगेगा, और जो ब्लू कलर का सॉकेट है, ये वाला जो ब्लू कलर का सॉकेट है वो इस जगह लगेगा। ओके, तो अभी हम इस येलो वाले सॉकेट को निकालने के लिए, इसको क्लीन, इसमें ये वायर को फिक्स करने के लिए हमें सॉकेट में से निकालनी होती है ये वायरिंग। तो ये वायरिंग आपको इस लॉक को दबा करके इजीली इस तरीके से हटा देनी है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे बीच वाली पिन पर जो वायर है इसमें आपको किस तरीके से इस वायर को फिक्स करना है, यानी कि ये हमें फिक्स करना है इस वाली पिन पर। तो ये है ग्रीन कलर का इस वाले वायर पर। तो यानी अभी हम इस रेड वाले वायर को इस ग्रीन वाले वायर के साथ इस तरीके से अटैच करके और इस सॉकेट को फिक्स कर देंगे। ओके, तो अभी मैं इसको इसमें अच्छे से क्लीन करके और इस सॉकेट को इसमें फिक्स करूँगा। अभी हमने जो उसका कंट्रोल मॉड्यूल था, सभी वायर हमने इसके ओके कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं हमने सभी वायर इसके लगा दिए हैं। सॉकेट जो भी थे वो सभी कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। इस साइड भी पीछे जो भी वायर वगैरह थे सभी कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, और टेपिंग कर दी है। तो अभी हम इसको फिक्स करेंगे इसकी लोकेशन पर। ओके, तो अभी हमने इसको टेम्परेली इस तरीके से लगा दिया है, और अब हम इसको कार को स्कैन करके स्टार्ट करके चेक करते हैं इसकी जो एसी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। ओके, अभी इस कार की जो वायरिंग थी वो हमने इसमें सोल्ड करके और टेपिंग करने के बाद इसमें मॉड्यूल में जो भी सॉकेट थे वो सभी कुछ हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद अब इस कार को हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद देखते हैं इस कार का जो एसी है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब कार को हम स्टार्ट करके चेक करने वाले हैं कि अभी इसका जो एसी है परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा इस मॉड्यूल को रिपेयर करने के बाद। और अभी मैं कार को करता हूं स्टार्ट। कार स्टार्ट कर दी है, और यहां पर आप देख सकते हैं एसी का ये बटन जो पहले फ्लैक्चुएट कर रहा था, इसमें जो लाइट जो फ्लैक्चुएशन कर रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, और एसी भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ब्लोवर भी हाई स्पीड, नॉर्मल, मीडियम, सभी तरीके से इसके जो सारे फंक्शन हैं वो वर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लोवर का आपको साउंड भी आ रहा होगा, ब्लोवर नॉइज, तो बिल्कुल कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी डीटीसी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस पर एयर कंडीशनर में जो फोल्ड कोड था वो फोल्ड कोड ओके हो चुका है, और हम आपको एक बार टेस्ट करा देते हैं रीड फोल्ड कोड। तो नो फोल्ड कोड है, और जो एसी है वो भी बिल्कुल ऑन है परफेक्टली, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर सेंसर्स, तो मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ यहाँ जो एयर वेंट में कितनी क्या कूलिंग है। तो ये आप देख सकते हैं
ये सब फेरेनहाइट में आ रहे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ही अभी सेल्सियस डिग्री में नहीं है, ये फेरेनहाइट डिग्री में है जो भी टेम्परेचर है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस कार का जो एसी है परफेक्टली वर्क करने वाला है। तो ये इन एयर वेंट्स का टेम्परेचर है जो मैं आपको इसके डिस्प्ले पर शो करा रहा हूँ अभी, तो बिल्कुल नॉर्मल है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसमें फोल्ड बोर्ड थे वो भी बिल्कुल जा चुके हैं और एसी भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। एसी भी ऑन ऑफ करने पर परफेक्ट वर्क कर रहा है। एक बार हम आपको ऑफ करके चेक कराते हैं, ऑफ कर दिया है, अभी हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है। तो जो पहले फ्लक्चुएशन था वो फ्लक्चुएशन बंद हो चुका है। तो इस कार में हमने किया है वायरिंग का रिपेयर और कुछ इसके मॉड्यूल्स वगैरह रिपेयर, और साथ ही साथ हमने गैस भी इसमें रिचार्ज की हुई है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।